इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के बायोलॉजिकल फंक्शन क्या हैं? पहला लिखा है एंजाइम्स। जो सभी एंजाइम्स यानी बायो कैटालिस्ट होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो एंजाइम के बारे में ये एक कहावत है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। लेकिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं बना है, वो राइबो एंजाइम। इफ द आरएनए मॉलिक्यूल एक्ट एज एंजाइम देन नोन एज राइबो एंजाइम। सेकंड फंक्शन है स्टोरेज प्रोटीन। जैसे मक्का की स्टोरेज प्रोटीन GEN है, ग्लूटीन्स ये गेहूं की प्रोटीन है, ओराइजिनिन राइस की प्रोटीन है, और अंडे में एग प्रोटीन और दूध में केसिन प्रोटीन होती है। तो स्टोरेज प्रोटीन का ये काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन है जो बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाता है, फिर लंग से विभिन्न कोशिकाओं तक जो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। डिफेंस प्रोटीन में इम्यूनोग्लोबिन्स आते हैं जो बॉडी की डिफेंस करते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है जो माइक्रोट्यूबुल्स को बनाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में आपकी मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन, जिससे मसल फाइबर बनते हैं एक्टिन और मायोसिन के। और रेगुलेटरी प्रोटीन में आपके हार्मोन्स जैसे इंसुलिन और ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो विष की तरह काम करते हैं, जैसे टॉक्सिन ऑफ स्नेक्स। और सिल्क वर्म में भी फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है, तो उससे सिल्क का प्रोडक्शन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहें।